नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट PSU है, जो कि वाइड वैरायटी ऑफ वेपन्स जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस वेपन, लॉन्चर्स, टेस्ट इक्विपमेंट्स, अंडर वाटर वेपन्स जैसे कि टॉर्पीडोज, काउंटर मेजर सिस्टम का प्रोडक्शन करती है। आज जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो BDL और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक डील के बारे में है, जो कि 499 करोड़ रुपए की है। इस डील के अंतर्गत BDL इंडियन एयरफोर्स को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 2 स्क्वाडन के लिए मिसाइल बनाने वाली है। हमने देखा है कि हमारे कुछ व्यूअर्स शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए एक टिप्स है कि इस डील के साइन होने के बाद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयर में भारी उछाल देखा गया है। इसी सप्ताह इनके शेयर वैल्यू लगभग 5.44% से इंक्रीज हुआ है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी रहेंगे, BDL मिसाइल बनाते रहेगी। एक बात और बताना चाहूँगा कि आकाश मिसाइल का इंटरनेशनल ऑर्डर भी आने वाला है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में BDL को कुल 2,803 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने वाली है, और भविष्य में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसके शेयर्स एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आएंगे। अगर आपको इस तरह के टिप्स और भी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर नहीं चाहिए तो भी हमें कमेंट सेक्शन से जरूर सूचित कीजिए। चलिए अब वापस से अपने डिफेंस के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इंडिया की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की एक प्रमुख प्रोडक्शन एजेंसी है, और आकाश मिसाइल भी IGMDP के अंतर्गत ही आती है। अगर बात करें आकाश मिसाइल की, तो ये एक मीडियम रेंज वाली मोबाइल सरफेस टू एयर यानी SAM सिस्टम है, जिसे DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। जहां इसके मिसाइल के प्रोडक्शन BDL करती है, वहीं इसके सर्वेलियंस फायर कंट्रोल रडार, टैक्टिकल कंट्रोल और कमांड सेंटर एंड मिसाइल लॉन्चर का प्रोडक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन और लैंसर एंड टर्बो मिलकर करते हैं। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल 18 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे टारगेट को 50 से 80 किलोमीटर के रेंज से ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस सिस्टम को फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम इस मिसाइल सिस्टम को देखें तो इसमें एक राजेंद्र 3D रडार का इस्तेमाल होता है, जो कि एक PESA यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है। इसमें 4 लॉन्चर्स होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर्स में 3 मिसाइल्स होती हैं, यानी कि आकाश मिसाइल की एक बैटरी में कुल 12 मिसाइल्स होते हैं। एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन में 2 आकाश बैटरीज होती हैं, वहीं आर्मी के एक स्क्वाड्रन में 4 बैटरीज होती हैं। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, वहीं 12 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। इस मिसाइल में 60 केजी तक के हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड का इस्तेमाल होता है। साथ ही मिसाइल को डेटोनेट करने के लिए प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल 200 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को डिफेंड करने में सक्षम है। आकाश मिसाइल की किल प्रोबेबिलिटी 88% है, वहीं इसके 2 मिसाइल को 5 मिनट के अंतराल में अगर लॉन्च किया जाए तो इसकी किल प्रोबेबिलिटी लगभग 98.5% हो जाती है, यानी कि टारगेट का मरना तय हो जाता है। आकाश मिसाइल की इंटरसेप्शन रेंज 30 किलोमीटर की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड Mach 2.5 की है। आकाश मिसाइल की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसका प्रोपल्सन सिस्टम। इसमें इंटीग्रेटेड रैमजेट रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो कि इस मिसाइल के स्पीड को कभी घटने ही नहीं देता है। इस मिसाइल को एक फ्लाइट के दौरान कंट्रोल करने के लिए कॉमन गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस मिसाइल में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी इंटीग्रेट किया गया है। इस मिसाइल का एक और एडवांस वेरिएंट पर DRDO काम कर रही है, जिसका टेस्ट हाल ही में किया गया था, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल होने वाली है, जिसे आकाश NG भी कहा जाता है।
इस मिसाइल के सेकंड स्टेज में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है, जो कि इस मिसाइल को और हल्का बनाने वाला है। साथ ही इस मिसाइल का रेंज बढ़ाकर 80 किलोमीटर कर दिया जाएगा। DRDO इस मिसाइल में AESA मल्टीफंक्शन रडार के साथ ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के इस्तेमाल से इस मिसाइल को कई गुना और घातक बनाने वाली है। आपको ये बात बता दूं कि मिसाइल जब बनकर तैयार होगी, ये अपने क्लास की बेस्ट मिसाइल होने वाली है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद सेना।